हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और आप देख सकते हैं कि आज मैं बनाने वाली हूँ रोज़ ड्राई फ्रूट लस्सी। और मैं इसे कैसे बनाती हूँ गर्मियों में, खासकर अपने घर पे और अपनी फैमिली के लिए, या फिर आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनके लिए भी ये बना के सर्व कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ही बेसिक है, जो कि हमारे घर में अवेलेबल होता है। और ये जो घर की बनी लस्सी होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है और प्योरिटी की एश्योरेंस होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए कर्ड, ड्राई फ्रूट्स, रोज सिरप, शुगर और आइस के कुछ क्यूब्स। तो कर्ड जो होना चाहिए फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी इसकी। अगर आपके घर पे कोई मिल्क पैकेट वाला आता है तो आप इसके लिए टोंड मिल्क भी ले सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोंड मिल्क लिया था और उसको मैंने ओवरनाइट इसको जमा के और इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत ही चिल्ड हो गया था और आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर की जो लेयर है, जिसे हम मलाई कहते हैं, इसको अलग पहले हटा रही हूँ, क्योंकि इसका जो काम है वो हमें बाद में आएगा। और आप देख सकते हैं कि दही कितनी अच्छी जमी है और कितनी मीठी थी ये दही, बहुत ज़्यादा। तो आपको भी जब भी अगर लस्सी बनाना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर पे ही दही जमाइए, क्योंकि अगर दही अच्छी होगी तो ही जाके लस्सी भी आपकी अच्छी बनेगी। तो आप देखिए, अब मैं एक पॉट में इसे ले रही हूँ दही को, और मुझे सिर्फ 2 ग्लास लस्सी बनाना था इसलिए मैंने पूरी दही नहीं ली। और ये जो दही अभी बहुत थिक है, इसमें अगर आइस क्यूब आप डालेंगे और शुगर भी मेल्ट होने के बाद ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। और ये जो आलमंड्स मैंने ड्राई फ्रूट के तौर पे लिया था, इसको मैंने श्रेड कर लिया है। आप चाहे तो कैश्यू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आलमंड इसमें ऐड किया था। और इसमें आप आइस क्यूब मिला के और शुगर मिला के जब तक ये पूरा घुल ना जाए अच्छे से, और जो आइस क्यूब है वो बिल्कुल आधे तक मेल्ट ना हो जाए, इसको आपको नॉन स्टॉप विस्क करते रहना है। वैसे हमारे पास जो मिक्सी में जार होता है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इसको हैंडमेड बनाने का विस्क से, तो ये काफ़ी स्मूथ इसका टेक्सचर होता है। तो आप देखिए कि मैं इसको तब तक इसको घुलने दूंगी जब तक इसकी शुगर और इसका जो आइस क्यूब है ये ऑलमोस्ट इसमें मिक्स ना हो जाए और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल फ्रॉथी ना हो जाए। मैं इस जार की बात कर रही थी, इस जार में बहुत ही अच्छी लस्सी बनती है अगर आपको आपके पास विस्क नहीं है तो घर पे। और इसके बाद आप इसे एक ग्लास में पोर कर लीजिए सबसे पहले, और पोर करने के बाद आपको 1 इंच जगह खाली छोड़ना है ग्लास में, क्योंकि इसके ऊपर के जो टॉपिंग होगी उसको स्पेस चाहिए होगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मलाई निकाल के रखी थी दही के ऊपर वाले लेयर से, तो ये आप बेस बना लीजिए सबसे पहले। और इस बेस के ऊपर अब हम ऐड करेंगे रोज सिरप। मैंने यहाँ पे जो रूह अफ़ज़ा होता है वो लिया था और उसको मैंने थोड़ा सा थिन बना लिया था क्योंकि वो बहुत ही थिक होता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो श्रेडेड हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, मैंने आलमंड लिया था। आपको अगर चाहिए तो आप कैश्यू नट भी ले सकते हैं, बट मैंने सिर्फ आलमंड्स यूज़ किया था क्योंकि वो मुझे पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिलीशियस सी एक ग्लास लस्सी बन के तैयार है, और ये आप शाम के वक्त लीजिए अपनी फैमिली के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि समर्स में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और शाम को हमेशा मन करता है कुछ चिल्ड पीने का, तो ये तब आप बना सकते हैं। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। बाय बाय, टेक केयर।